होशियारपुर के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा विमला रहती थी, जो मिट्टी के मटके बनाकर उन्हें बेचा करती थी और उसी से अपना जीवन चलाया करती थी। विमला के दो बेटे थे, गुड्डू और बबलू। गुड्डू बहुत मेहनती था और अक्सर पढ़ाई के बाद मटके बनाने में बूढ़ी अम्मा की मदद किया करता था, लेकिन बबलू बहुत ही कमजोर और घमंडी था। वो अपनी बूढ़ी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। एक दिन विमला बहुत बीमार पड़ गई। अरे मेरे बच्चों, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब ये मिट्टी के घड़े नहीं बनाए जाते और ना शहर जाकर बेचे जाते हैं। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही अब मिट्टी के घड़े बनाया करो और शहर जाकर अच्छे दाम में बेचा करो। ये घर इसी मिट्टी के काम से चलता है मेरे बच्चों। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? मैं और मिट्टी के घड़े बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ये छोटा काम मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा, समझी? ये ना तुम्हारा गुड्डू, ये बनाएगा तुम्हारे मिट्टी के घड़े। अरे बबलू बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आखिरकार मैंने भी तो अब तक इन्हीं मिट्टी के घड़ों को बनाकर तुम्हें इतना बड़ा किया है। जब तुम अच्छे से मिट्टी के घड़े बनाकर बेचोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। नहीं माँ, ये सब बातें मैं नहीं जानता, मैं ये मिट्टी के घड़े नहीं बनाऊंगा, बस। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है बेटा इन मिट्टी के घड़ों को बनाने में? ये बबलू तो मेरी कभी नहीं सुनता है। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम हम दोनों भाइयों को बोल रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें शहर जाके बेच दिया करूँगा। मुझे पता है बेटा, तुम मेरा लायक बेटा है। गुड्डू अगले दिन से ही मिट्टी के घड़े बनाने लग जाता है। अरे कुछ नहीं होगा तेरे इन मिट्टी के घड़े बनाने से, समझा? कोई नहीं लेगा ये तेरे मिट्टी के घड़े, बेकार में मेहनत कर रहा है तू, समझा? मुझे नहीं पता भैया कि कोई मेरे ये मिट्टी के घड़े खरीदेगा या नहीं, लेकिन इतना पता है कि मुझे कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। हाँ ठीक है, कर ले कोशिश, मुझे क्या ही लेना देना जरा इन मामूली से मिट्टी के घड़ों से। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गुड्डू अपने बनाए मिट्टी के रंग बिरंगे घड़ों को एक ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। जब वो जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। अरे ओ भाई, क्या ये रंग बिरंगे घड़े तुमने बनाए हैं? और इस रास्ते से तो यहाँ अक्सर एक अम्मा गुजरती है जो शहर मिट्टी के घड़े बेचने जाती है। हाँ, ये रंग बिरंगे घड़े मैंने ही बनाए हैं। यहाँ से जो अम्मा मिट्टी के घड़े लेकर जाया करती थी ना, वो मेरी माँ है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं ही ये मिट्टी के घड़े बनाया करूँगा और शहर लेकर जाया करूँगा। अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी एक मिट्टी का घड़ा दे दो। गुड्डू उसे अपना बनाया सबसे सुंदर घड़ा देता है। मेरे पास पैसे तो नहीं है भाई। ठीक है बहन, कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो, ये मेरे हाथ का पहला बनाया घड़ा है। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम मुझे दे देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, घड़े ले लो, मिट्टी के रंग बिरंगे घड़े ले लो, सुंदर सुंदर घड़े ले लो। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और गुड्डू का एक भी घड़ा नहीं बिकता। गुड्डू शाम को बड़ी उदासी के साथ अपने घर जाता है। अरे आ गया मेरे बच्चे, क्या हुआ, बड़ा उदास लग रहा है तू। माँ, मैंने इतनी मेहनत से ये सारे घड़े बनाए हैं, लेकिन आज इनमें से एक भी घड़ा मेरा नहीं बिका। सब लोग आते और मेरे घड़ों को देखते, लेकिन कोई भी खरीदता ही नहीं। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, कल बिक जाएंगे, इतनी जल्दी मायूस नहीं होते, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। अपनी माँ की ये बात सुनकर मैं और मेहनत करूँगा और ज्यादा अच्छे घड़े बनाऊंगा, फिर वो घड़े लोगों को जरूर पसंद आएंगे। हाँ मेरे बच्चे। गुड्डू फिर से मिट्टी के घड़े बनाने लग जाता है और अलग अलग रंग के घड़े बनाता है। इस बार गुड्डू अपने हाथों से उन मिट्टी के घड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी भी करता है। अगले सुबह गुड्डू फिर से अपने ठेले पर सारे मिट्टी के घड़े रखता है और शहर जाते हुए वही औरत उसे फिर मिलती है। भाई, तुम्हारा बनाया मिट्टी का घड़ा वाकई काफी पसंद आया मुझे, तो मुझे एक और घड़ा दे दो, लेकिन आज भी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या सच में बहन, तुम्हें मेरा बनाया मिट्टी का घड़ा पसंद आया? कोई नहीं, तुम आज भी मुझसे घड़ा ले सकती हो।
और गुड्डू उसे एक घड़ा दे देता है। उसके बाद गुड्डू शहर पहुंचते ही फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे प्यारे देशवासियों, घड़े ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे घड़े ले लो। कि तभी गुड्डू के पास एक आदमी आता है। अरे ओ भाई, बड़े रंग बिरंगे घड़े बेच रहे हो, जरा एक घड़ा देना तो। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, अभी दे देता हूँ, ये लीजिए। आदमी गुड्डू से वो घड़ा लेता है और गुड्डू को कुछ पैसे देता है। गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाता है। देखो माँ, आज मेरा बनाया एक एक घड़ा बिक गया है, ये लो माँ पैसे, ये पैसे तुम रखो। अरे मेरे लाल, मैं जानती थी तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये पैसे तू ही रख, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुझसे मांग लूंगी मेरे बच्चे। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो रख लेता हूँ। कि तभी वहाँ पर बबलू आ जाता है। माँ मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरे कुछ दोस्त घूमने शहर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। अरे क्या पागल हो गया है तू, आखिर तुझे ये नहीं दिखता कि तेरी माँ मिट्टी के घड़े नहीं बनाती है। मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ, एक तेरा भाई है जो दिन रात मेहनत करता है और एक तू है कि कुछ नहीं करता। बबलू को अपनी माँ की ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ठीक है ना माँ, पैसे नहीं देने तो ठीक है मत दे, लेकिन जब देखो गुड्डू गुड्डू लगा रखा है, मैं भी देख लूंगा कोई अच्छा सा काम जल्दी, तो अब नहीं मांगूंगा तुमसे पैसे। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है, लेकिन बबलू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब देखो माँ उस गुड्डू की तरफदारी करती रहती है, उस गुड्डू का तो कुछ करना ही पड़ेगा। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे थे तो बबलू चुपके से वो सारे पैसे गुड्डू की अलमारी में से चुरा लेता है। अगली सुबह गुड्डू फिर से शहर जाता है तो उसे वही औरत मिलती है। भाई मुझे तुमसे फिर से एक घड़ा चाहिए। आज ये पांचवा घड़ा है, आखिर तुम इतने घड़ों का करते क्या हो, तुम रोज एक घड़ा लेती हो, लेकिन क्यों? समय आने पर बता दूंगी भाई। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। और गुड्डू उस औरत को एक और घड़ा देता है और आगे चला जाता है। शहर पहुंचकर गुड्डू घड़े बेचने लग जाता है, काफी देर बाद भी कोई उसके पास घड़ा लेने नहीं आता। अब गुड्डू रोज घड़े बनाकर और उन्हें लेकर शहर जाता, लेकिन कोई उसके घड़े नहीं खरीदता। गुड्डू बहुत दुखी हो जाता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं था। गुड्डू अपनी अलमारी में देखता है जहाँ उसने अपने पैसे रखे थे, लेकिन उसे मिलते नहीं है। ना जाने मेरे पैसे कहाँ चले गए हैं, अब मैं क्या करूँगा, घर पर तो कुछ खाने का सामान ही नहीं है, माँ और भाई को अब क्या खिलाऊंगा। अरे ओ भैया, सुना है तुम बहुत रंग बिरंगे सुंदर सुंदर मिट्टी के मटके बनाते हो, है? मुझे 500 मिट्टी के मटके चाहिए भैया, लेकिन सिर्फ कल सुबह तक ही चाहिए, बोलो क्या दे सकते हो क्या? हाँ भाई क्यों नहीं, मैं कल सुबह तक पूरे 500 मटके बना दूंगा। ठीक है भाई, मैं कल सुबह आऊंगा, ठीक है, तुम पूरे 500 मटके बना के रखना। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद गुड्डू बहुत मेहनत से मिट्टी के रंग बिरंगे घड़े बनाने लग जाता है और पूरे 500 घड़े बना लेता है। ओह, लगता है ये गुड्डू फिर से कुछ करने जा रहा है और माँ के सामने फिर से अच्छा बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और रात को जब गुड्डू और माँ सो रहे थे तो बबलू गुड्डू के बनाए कई मटके तोड़ देता है। अगली सुबह गुड्डू उठता है और देखता है कि उसके बनाए 500 मटकों में से काफी घड़े खराब हो चुके हैं। अरे ये कैसे हुआ, अब मैं क्या करूँगा, एक आखिरी रास्ता दिखाई दिया था कुछ पैसे कमाने का, अब कैसे इतनी जल्दी इतने सारे घड़े बनाऊंगा। जिसकी बात वो और दुखी हो जाता है। फिर गुड्डू के पास वही औरत आती है जो गुड्डू से घड़े लिया करती थी। मैं कई दिनों से तुम्हें रोज देखती हूँ लेकिन तुम दिखते ही नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। क्या बताऊँ बहन, कुछ दिनों से एक भी घड़ा नहीं बिकता, जिसकी वजह से मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, घर में बीमार माँ है और भाई है, आगे कैसे होगा कुछ समझ नहीं आता। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी जिसने 500 मटके बनवाए थे, लेकिन न जाने इनमें से आधे घड़े कैसे टूट गए हैं, अभी वो आदमी आता ही होगा, अब मैं क्या करूँगा। गुड्डू की ये बात सुनकर, तुम दुखी क्यों होते हो भाई, चलो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ बहन,
मेरे साथ चलो तो सही, क्या पता तुम्हारी परेशानी का हल वही हो। जिसके बाद गुड्डू उस औरत के साथ चल देता है। वो औरत उसे एक ऐसे घर में ले जाती है जहाँ बहुत सारे मिट्टी के घड़े रखे थे, और अचानक से वो औरत एक बुढ़िया में बदल जाती है जिसके पास बहुत सारे घड़े होते हैं और जिन घड़ों में बहुत सारा सोना चांदी भरा होता है, जिसे देख गुड्डू डर जाता है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस औरत का भी मेरा ही रूप था और ये भी मेरा ही रूप है, वो अब खत्म होने जा रहा है। गुड्डू को कुछ नहीं समझ आता। ये आप क्या बोल रही हो अम्मा, आप कैसे एक जवान औरत से एक बूढ़ी औरत में बदल गई हो, और आपके पास इतने सोने चांदी से भरे घड़े क्या कर रहे हैं? बताती हूँ बेटा, सब बताती हूँ। मैं भी पहले बहुत तुम्हारी ही तरह मेहनत और लगन से मिट्टी के मटके बनाया करती थी। एक दिन मेरे घर एक बाबा आए जो बहुत भूखे थे। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था सिवाय चार चावल के दानों के, जिससे मैंने उन्हें खीर बना दी और उस बाबा को दे दी, जिससे वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे कोई दो इच्छा मांग सकती हूँ। मैंने पहली इच्छा मांगी कि मैं लोगों के सामने कभी बूढ़ी ना दिखूं। दूसरी, मेरे घर में जितने भी घड़े हैं वो सब सोने चांदी से भर जाए। और ऐसा ही हुआ, लेकिन बाबा ने कहा, जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इस दुनिया से जाने से पहले तुम किसी ऐसे इंसान को ये सब दे देना जो तुम्हारी ही तरह मेहनत और लगन से मटके बनाता हो, और जिसके मटके में ये सोना रखते ही दुगना हो जाए। तब से मैं रोज गांव गांव जाकर मटके लेती हूँ और इंतजार करती हूँ कि कब ये सोना चांदी दुगना होगा। मैंने जब तुम्हारे बनाए घड़े में ये सोना रखा तो ये दुगना हो गया, जिसके बाद मैं तुमसे रोज एक घड़ा लेने लगी और ये सोना चांदी बढ़ता गया। अब मेरी उम्र पूरी हो गई है और मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ। मेरा जाने का वक्त नजदीक है बेटा, और इसलिए ही तो तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। गुड्डू ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन अम्मा, मैं इतने सारे सोने चांदी का क्या करूँगा भला, मुझे इतने सोने चांदी की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, तुझे सिर्फ इनमें से एक ही घड़ा लेना है, बाकी अपनी जगह अपने आप ही पहुँच जाएगा। अपने आप ही कहाँ पहुँच जाएगा अम्मा? मेरे मरने के बाद ही बाकी का सोना चांदी भी मेरे साथ ही चला जाएगा बेटा। जो तुम्हें सोना चांदी मिलेगा वो भी तुम्हारे पास सिर्फ तब तक ही रहेगा जब तक तुम उस सोने चांदी का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम इससे जरूरतमंद लोगों की मदद करना तो ये अपने आप ही दुगना होता चला जाएगा। ठीक है अम्मा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। मैं सोने चांदी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, इससे हमेशा गरीबों की मदद करूँगा। उसके बाद गुड्डू वहाँ रखे मटकों में से एक मटका उठाता है और अपने घर चला आता है। घर आते ही बबलू उसे देख लेता है। अरे जल्दी आओ माँ, देखा आपने लाडले को, लगता है किसी की चोरी करके आया है। इतना सारा सोना चांदी क्यों रे गुड्डू, कहाँ से लाया तो ये? नहीं भाई, मैंने किसी की चोरी नहीं की है। बेटा मैं जानती हूँ तू कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना सारा सोना चांदी तेरे पास आया कहाँ से? इसके बाद गुड्डू अपनी माँ और बबलू को सारी बात बताता है। मैं ना कहती थी तू मेरा हीरा है हीरा, ये तेरी मेहनत और लगन का ही फल है। मेरे बच्चे, जो तुझे ये सोना चांदी भरा मटका मिला। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने ही वो तुम्हारे बनाए मटके खराब किए थे। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं तुमसे चलने लगा था, मुझे लगा था माँ दिन भर तुम्हारी तारीफ किया करती थी, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन तुम सच में हीरा ही हो मेरे भाई। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरे भाई, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छे मटके बनाएंगे, और इस सोने चांदी से जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। इसके बाद से ही गुड्डू गांव में सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और अपनी माँ और भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगा।